पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि सांप जो है अक्सर देखना उन लोग छोटे छोटे चिड़ियों को खाने के लिए या छोट पशु जो हैं उनको खाने के लिए पिंजरे में घुस जाते हैं। वैसा ही हाल क्या हुआ था यहाँ पे भी। तो वहाँ पर देखो पानी बाहर निकलने के लिए एक नाला था। यदि किसी कारण वह नाला बंद करना भूल जाते तो वहाँ से सांप घुसने की संभावना होती थी। तो एक बार की घटना है कि सच्ची सच्ची वहाँ उस छेद से मतलब नाले से एक सांप घुस जाता है और बाकी जो पशु पक्षी हैं वे तो इधर उधर भाग जाते हैं, मगर एक छोटा खरगोश का जो बच्चा है वह भाग नहीं सकता, नहीं पाता। और तब क्या है, सांप क्या करता है, उसको मतलब जबड़े में पकड़ लेता है, उसके मुंह में आधा उसके मुंह के अंदर होता है आधा बाहर वो रहता है। वह बहुत धीमे आवाज से चींची करता है, किसी को सुनाई नहीं पड़ता, मगर नीलकंठ जो है वो पेड़ मतलब झूले में झूल रहा था, ऊपर पेड़ में झूला था, तो झूले में उसे यह मंद जो ध्वनि है वह सुनाई पड़ता है। उसे लगता है कि यह मतलब बहुत ही कष्टदायक कोई पुकार रहा है, उसे स्पष्ट सुनाई देता है। और तब वह क्या करता है, वह नीचे आकर देखता है कि हाँ एक सांप घुसा है और वह क्या कर रहा है, खरगोश को अपने मुंह में लिया हुआ है। अगर फन पर क्या करता है चोंच मारता है तो यहाँ पे खरगोश के बच्चों को क्या है कुछ हो सकता था, इसीलिए वह क्या करता है अपने चोंच मतलब पंजों से गर्दन को दबोचता है और फिर क्या करता है सांप को गर्दन में क्या है आघात पहुंचाता है। उसके मुंह से जो खरगोश का बच्चा है वह निकल जाता है। वह अचेत अवस्था में ही रहता है जिसके कारण अधमरा सा पड़ा रहता है और फिर क्या है वह सांप के टुकड़े टुकड़े कर देता, दो खंडों में विभक्त कर देता है। इतने में जो मोरनी थी राधा वह अपने पुकार से बाकी लोगों को पुकार कर वहाँ पे जड़ित कर देती है। सब देखकर क्या है दंग रह जाते हैं। रात भर क्या करती है नीलकंठ, क्या करती है उस अधमरे खरगोश के बच्चे की सेवा करती है और वह ठीक हो जाती है। इसकी प्रक्रिया और एक जो थी, देखो यहाँ पे नीलकंठ जो है हमेशा क्या करती थी, मतलब बरसात के मौसम में जब भी मेघ देखती थी तो एकदम से सतरंगी पंखों को वह क्या करती है एकदम छत्र छाया की तरह वह बिछा देती थी और सब क्या है वह ताक कर काफ़ी आश्चर्यचकित होते थे। लेखिका जब भी जाती थी तो इसी प्रकार वह पंख फैलाकर स्वागत करती थी और ये प्रक्रिया रोज की होने लगी। यहाँ तक लेखिका जब अपने साथ देशी या विदेशी मेहमान को लेकर आती थी तब भी नीलकंठ इसी प्रकार क्या है अपने पंख फैलाकर नृत्य की मुद्रा में खड़ी हो जाती थी और सभी यह देखकर काफ़ी खुश होते थे, जिसके कारण क्या है मेहमान लोगों ने उसको परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। आगे हम पढ़ेंगे, देखो जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उससे मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। बहुत धीरे धीरे खाती थी, देखो अगर चाहे तो हाथ मतलब क्या है एकदम छिद्र कर सकती थी, उसके नाखून काफ़ी चोंच काफ़ी पहने थे, मगर वो वैसा नहीं करती थी। बहुत धीरे धीरे चुनकर क्या करती थी छोले के जो दाने हैं वो खाया करती थी, भुने हुए छोले। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष अच्छे लगते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरुए से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। मतलब वो इतनी चीखने लगती थी जब चारों तरफ का वातावरण बहुत सुहावना हो जाता था कि उसे क्या है पिंजरा खोल देना पड़ता था, जाली घर का दरवाजा खोल देती थी और नीलकंठ बाहर उड़ने लगता था पेड़ों में। पर जब तक राधा को भी मुक्त ना किया जाए वह दरवाजे के बाहर ही उदास खड़ा रहता। अब क्या है वो अकेले नहीं, साथ उसे राधा भी चाहिए होता है, मतलब दोनों एक साथ उड़ेंगे। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद्र के का
की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती रह होती जाती। मेघ के गर्जन की ताल पर ही उसके नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बाएं पंख फैलाकर सुखाता। फिर जब गीले हो जाते पंख तो वह पंख फैलाकर सुखाने लगता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोट से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। फिर लोग अपना पंख को सुखाते थे। इस आनंद के क्षणों में एक करुण घटना घटित हो गई। जब लोग बहुत खुश थे, मजे में थे, तभी एक करुण घटना घट गई। देखो, एक दिन मुझे किसी कार्य से फिर से उन्हें कहाँ जाना पड़ा, नखास कोना जाना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बस देवी जी को देखते ही क्या है, उन्होंने कहा रोका। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, निर्दय चिड़ीमार ने बेचारी मोनी का क्या हाल किया। देखो चिड़ीमार ने क्या है, मोनी को इस प्रकार आघात कर दिया, घायल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं इसके सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। बेचारी अधमरी है, भला आपको भी कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपए देकर, मतलब महादेवी जी ने उस मियाँ जी को 7 रुपए देते हैं और उस मोर को वो अपने साथ लेकर आती है। उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। फिर उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगी, उसको थोड़ा ठीक किया, उसकी चोटिल पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। तो देखभाल के कारण क्या महीने भर में क्या है, यह भी ठीक हो जाती है। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी, अब उंगलियां जो है टेढ़ी मेढ़ी थी, काफ़ी इंजरी हुआ था रही, परंतु ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। डगमगाती हुई चलती थी, सीधे नहीं चल पाती थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और जब थोड़ी ठीक हो गई तो उसको भी जाली घर में रखा गया। जब ठीक हो गई और उसका नाम क्या रखा गया, कुब्जा। तो कुब्जा जो है काफ़ी शैतान थी, नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। जैसा उसका नाम रखा गया तो उसका स्वभाव भी कैसा था, कुब्जा के समान ही था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। देखो अभी तक तो क्या है, नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा जो है उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। जब भी देखती थी साथ, बस मारने दौड़ती, उसे क्या है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। चोट से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, जो कलगी थी ना उसको नोच डाली, पंख नोच डाले। बहुत क्रूर थी कुब्जा। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। अब तो ये बात है कि नीलकंठ भी भाग जाता था, कुब्जा को देखकर दूर भागने लगा और वह उसके साथ रहना चाहती थी। और यहाँ पर राधा जो है वह तो हमेशा नीलकंठ के साथ ही रहना चाहती थी, ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इस बीच राधा ने 2 अंडे दिए। अब देखो राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठा रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़ कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दी। मतलब इतनी शैतान थी, राधा ने जो अंडे दिए थे उसको क्या करती है, उसको फोड़ डालती है और छितर बितर कर देती है। हमने उसे अलग बंद किया। अब ऐसा हुआ तो क्या किया, उसको अलग करके बंद करके रखने लगा तो उसने दाना पानी छोड़ दिया। बस अब अलग किया तो दाना पानी नहीं खाती है और जाली पर सिर पटक पटक कर घायल कर लिया। अब देखो इतनी शैतान थी, उसको अलग रखो तो अकेली मन अकेला नहीं रहना चाहता था, अपने आप को घायल करने लगा। इस कलह कोलहाल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत होगा। इस प्रकार जब राधा दूर रहने लगी, मतलब किससे, नीलकंठ से, तो अब क्या है नीलकंठ भी बेचारा दुखी रहने लगा और एक दिन क्या हुआ, वास्तव में एक दिन नीलकंठ की मृत्यु हो जाती है। नीलकंठ के ना रहने पर, अब देखो नीलकंठ की मृत्यु हो गई, अब नीलकंठ के ना रहने पर भला राधा कैसे जिएगी।
तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, चुपचाप कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था अथवा वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। कई बार क्या है, नीलकंठ उड़कर चली जाती थी फिर भागकर आ जाती थी, मगर इसी दृष्टि से वह रहती थी कि हाँ नीलकंठ आएगा, लौटेगा लौटेगा, उसकी प्रतीक्षा क्या करती थी, बाहर दृष्टि गड़ाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, पर कुब्जा ढूंढना शुरू की कहाँ है। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी। अब जैसे ही जाली का दरवाजा खुला, यहाँ पे राधा भी क्या है पिंजरे से बाहर उड़ गई। किसको ढूंढने के लिए, नीलकंठ को ढूंढने के लिए। आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती, तो इन पेड़ों पर बैठे उड़ते उड़ते क्या करती थी, नीलकंठ को ढूंढती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि आम के पेड़ से उतरी, बस फिर क्या था, कजली नामक एक कुतिया थी, अब देखो वो सामने पड़ गई। कजली के सामने पड़ते ही क्या हुआ, स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर ही चोंच से प्रहार किया। अब क्या उसका स्वभाव था चोंच मारना, और राधा क्या करती है कजली पर चोंच मारती है। परिणामतः कजली के दो दांत उसके गर्दन पर लगे। चोंच मारते ही कजली ने भी नहीं छोड़ा, कजली ने भी क्या किया, उसके गर्दन में दांत गड़ दिया। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। पर अब जब कुत्ते का दांत लग गया, कुत्ते ने दबोचा, तो और मोरनी को बचाया ना जा सका। परंतु इन पक्षियों, इस प्रकार क्या है, राधा का भी अंत हो जाता है। परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी की प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो क्या है, ये जो तीन प्रकार की पक्षी, मतलब तीन जो मोर, एक मोर, दो मोर थे और एक मोरनी, तो उनमें आपस में देखो सभी की अलग अलग, उनकी जो प्रकृति है वह विभिन्न प्रकार की थी। तो इस प्रकार उन्हें क्या है, मोर मोरनियों से परिचय उनको मिलता है, वह उनके लिए बहुत ही महत्व रखता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वह मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूँगी। धन्यवाद।